टैब क्या है मैं तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये होम टैब आपके लिए शो योर चैनल होम टैब ऑन हाईलाइट शो काउंटेड फॉर योर ऑडियंस आपके। जी हाँ हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अंगद वर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है तो अगर आप YT स्टूडियो यूज कर रहे हैं, YT स्टूडियो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो आपको अपने YT स्टूडियो में सबसे पहले आपको अपने YT स्टूडियो में जाके सेटिंग को ऑन करना है। जो सारे सेटिंग है वो सेटिंग को आपको यूज करना है यानी कि ऑन करना है, उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ना चालू होगा यानी कि आपकी वीडियो का इंप्रेस बढ़ना चालू होगा। जी तो उसके चलते मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा सेटिंग है उसको आपको यूज करना है यानी कि उसको ऑन करना है, सिर्फ ऑन करके छोड़ देना है। उसके चलते आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ेगा यानी कि इंप्रेस बढ़ेगा आपके वीडियो का, तभी आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो में इच्छा करता हूँ बिना किसी की देरी के अपने मोबाइल की स्क्रीन अनलॉक किया है, YT यहाँ पर मैंने क्लिक किया। जैसे YT क्लिक करेंगे मेरे तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रहते हैं, यह है आपका डैशबोर्ड। तो आपको पहले सेटिंग क्या करना है, अपने लोगों पे क्लिक करना है, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे तो ये है आपका सेटिंग यानी कि चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, हैंडल चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक भर सकते हैं और लिंक भी लगा सकते हैं। नीचे दिया गया होम टैब, ये होम टैब क्या है मैं तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये होम टैब आपके लिए शो योर चैनल होम टैब ऑन हाईलाइट शो काउंटेड फॉर योर ऑडियंस। आपके ऑडियंस के पास आपका होम टैब में जो होम टैब में यूट्यूब पे जो पहला यूट्यूब ओपन करते होंगे उसके बाद जो पहला वीडियो देखता है वो होम टैब पे दिखता है। तो ये आपका ऑडियंस के पास आपकी वीडियो को दिखाएगा, इसको आपको ऑन कर लेना है तो भी आपके यूट्यूब वीडियो पे व्यूज आएगा और सब्सक्राइबर बढ़ेगा। फिर नीचे दिखा है होम लेआउट फॉर योर ऑडियंस, यूट्यूब रिकमेंडेड फॉर यूट्यूब कॉन्टेंट विथ व्यूअर इंटरेस्ट। जो आपके व्यूअर हैं ऑडियंस हैं वो कौन सा कंटेंट देख रहे हैं तो उनके इंटरेस्ट के चलते उनको जो इंटरेस्ट जिस वीडियो पे आपका वीडियो वहाँ पे यूट्यूब रिकमेंड करेगा, जो वीडियो वो बंदा देख रहा है ऑडियंस आपके देख रहे हैं वही वीडियो आपका जो होगा तो यूट्यूब वहाँ पे रिकमेंड करेगा। यहाँ पे क्लिक कर देना है, जब क्लिक यहाँ पे वीडियो शॉर्ट वीडियो लाइव यूट्यूब आप तीनों पे काम कर रहे हैं, तीनों वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको तीनों सेक्शन को ऑन कर लेना है और ऑल कंटेंट यूट्यूब रिकमेंडर में क्लिक कर देना है यानी कि सारे वीडियो को यूट्यूब होम टैब पे दिखाए, यूट्यूब रिकमेंड सेंटर में दिखाए, होम और ब्राउज फीचर में दिखाए, चैनल पे दिखाए। तो यूट्यूब ये सेटिंग आपको ऑन कर लेना, अगर इसमें आप में बंद है तो आपका वीडियो पे व्यूज बिल्कुल नहीं आएगा, आपका चैनल ग्रो कभी नहीं करेगा क्योंकि ये सेटिंग आप वीडियो बंद करके रखें तो आपका वीडियो कहाँ पर जाएगा, कहीं पर नहीं जाएगा, आप यूट्यूब होम टैब पर आपके वीडियो को दिखाएगा ही नहीं। तो इसको आपको ऑन करना है, शॉर्ट वीडियो को ऐसे ऑन कर लेना है, लाइव स्ट्रीम को भी ऑन कर लेना है, फिर आपको यहाँ से आपको सेव कर देना है। यह है आपका दूसरा सेटिंग होम टैब का। उसके बाद आपको क्या करना है, आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं कंटेंट पे जाने चला है, जो आपने जो इस वीडियो का अपलोड कर रहे हैं तो ये कंटेंट आपको दिख रहा है तो ये सारे वीडियो में आपको नहीं मालूम कि हमारा वीडियो कौन बच्चों के लिए है और कौन वीडियो हमारा पब्लिक के लिए है और कौन वीडियो हमारा अनइंस्टॉल है, कौन वीडियो हमारा जो प्राइवेट है, तो आपको इसके अंदर देखना है और कौन से वीडियो पर ज़्यादा व्यूज है, कौन से वीडियो पर कम व्यूज है। तो इसको आपको ऑन करना है, ऑन करना है तीन रुपये क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक यहाँ पे देना फिल्टर्स, तो यहाँ पे देखिए हमारा वीडियो पब्लिक है तो आपको पब्लिक करना है, सारे वीडियो को आपको पब्लिक कर देना है, किसी भी वीडियो को अनइंस्टॉल या प्राइवेट नहीं रखना है, सारे वीडियो को पब्लिक कर देना है। फिर नीचे दिया गया है व्यूअर मोर थैन व्यूअर लेसन थैन यानी कि डाउन और अप, तो आपके वीडियो पर ज़्यादा व्यूज है तो आपको मोर थैन पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे देख सकते हैं मेड फॉर काइट, यहाँ पे सेटिंग पे आपको गलती नहीं करना है, आपको नॉट मेड फॉर काइट पे ही क्लिक करना है, सेट टू मॉडिफाई काइट पे क्लिक करके सेव नहीं करना है, तो आपको इसको देख लेना है मेरे तो। फिर उसके बाद वीडियो कंटेंट क्लिप इस पर क्लिक करना है, अगर कोई आपके वीडियो का क्लिप उठाया है आपके वीडियो से तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे वीडियो का क्लिप कौन से वीडियो का क्लिप उठाया गया है, इसको आपको ऑन कर लेना, फिर आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। इस तरह से आपके वीडियो को ये सेटिंग आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको चलता है सब्सक्राइबर काउंट यानी कि सब्सक्राइबर कैसे काउंट किया जाता है, तो कॉमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने पर देखते हैं हमारा सब्सक्राइबर आपको जो है कॉमेंट दिख रहा है, जितना सारा कमेंट आया हुआ है सारा कमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा अच्छा कमेंट दिख रहा है, बुरा बुरा कमेंट दिख रहा है, सारा कमेंट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए भाई माय फर्स्ट कमेंट, इन्होंने भाई कमेंट किया है, नाइस वीडियो ब्रो, इन्होंने भाई कमेंट किया है, सुमन देवी इन्होंने कमेंट किया है, अच्छा आप नहीं देना चाहते हैं अपना तो ये हमारा सीमा कुमारी ब्लॉग से जो है सीमा कुमारी, ये हमारा मोबाइल नंबर मांग रही थी तो इसने कमेंट किया है, मैसेज कर दीजिए फिर डिलीट कर देना मैसेज, हमारा कमेंट में मांग रही थी कि आपको अपना नंबर दे दीजिए फिर आपके मैसेज को डिलीट कर देना, ये तो भाई भैया मुझे आप नंबर दे दीजिए प्लीज़, तो भाई हमने रिप्लाई कर दिया कि आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके हमारे यूट्यूब चैनल का जो हमारे वीडियो में नंबर पड़ा उसको आप ले सकते हैं, फिर फ़ोन भी कर सकते हैं, नाइस इन्फॉर्मेशन आइडिया।
तो नाइस फॉर इन्फॉर्मेशन। तो आपको इस तरह से वीडियो पे देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो ये सब्सक्राइबर हैं आपके, जो ये सब्सक्राइबर होंगे या नहीं होंगे, तो इनको अपनी तरफ खींचना है। खींचने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, तीन डॉट पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करेंगे या सीधा सीधा साफ साफ सब्सक्राइबर काउंट, आपके यूट्यूब चैनल पे कितना सब्सक्राइबर काउंट हुआ है। तो 1000 हो गया है तो आपको 1000 पे क्लिक करना है, नहीं हुआ है तो आपको 100 पे क्लिक करना है। अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है तो सीधा सीधा आप जाइए 10000 पे। यह तो 10000 पे क्लिक करने के बाद आपको पब्लिक सब्सक्राइबर पे क्लिक करना है। जो पब्लिक अब जो सब्सक्राइबर है वो पब्लिक जो बड़े बड़े जो ऑडियंस है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, कीवर्ड इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहीं से अपने वीडियो को अप्लाई कर देना है। यह तो जैसे अप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा कमेंट आपका अप्लाई हो गया, यानी कि सब काउंट सब्सक्राइबर काउंट हो गया है। तो मैं तो इस तरह से अपने यूट्यूब चैनल का जो सारे सेटिंग है इसको आप यूज कर लेंगे तो 100% आपके यूट्यूब चैनल व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ना चालू हो जाएगा। आपको गलती कभी नहीं करना, सारे सेटिंग को आपको यूज करके ही रखना है। तो वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त अंगद वर्मा, टच पॉडकास्ट को जय हिंद, वंदे मातरम।